सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फाइनली फ्रेंड्स, वन प्लस का मिड रेंज स्मार्टफोन वन प्लस नोट 3 लॉन्च होने वाला है। इंडिया में वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन के काफी यूजर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट अभी इंडिया में लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। एंड इस वीडियो में हम वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन की इंडियन प्राइसिंग, लॉन्चिंग, स्पेसिफिकेशन सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए डेली ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस पाते रहने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस वाले डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज ये वाला पार्ट स्मार्टफोन का काफी क्रेजी होने वाला है। और यहाँ पर आपको मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 8200 4nm प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और रेफरेंस के लिए बता दूं, IQOO NEO 7 स्मार्टफोन भी इसी प्रोसेसर पर आने वाला है। और इसके अंततः बेंचमार्क स्कोर निकल कर आए हैं, जो कि फ्रेंड्स हमें 8,80,000 से ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस गेस कर सकते हो, काफी अमेजिंग होने वाली है। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स आपको LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया जाएगा। और गाइस, काफी यूजर्स का क्वेश्चन रहता है कि वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन में 16GB रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा नहीं, तो इसको लेकर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आई थिंक स्मार्टफोन में आपको 16GB रैम वेरिएंट देखने को मिल सकता है। बाकी वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन विद बॉक्स एंड्रॉइड 13 और ऑक्सीजन ओएस 13.1 पर देखने को मिलेगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, डिस्प्ले को लेकर पहले लीक्स निकल कर आ रहे थे कि स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन अभी लेटेस्ट लीक्स की अगर हम माने तो स्मार्टफोन में 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस फ्लैट AMOLED पैनल मिलने वाला है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया जाएगा। और ये एक HDR 10 प्लस डिस्प्ले होने वाली है, जिसमें 10 बिट कलर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी 100% DCI P3 कलर गैमट मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, तो स्मार्टफोन में डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, कैमरा डिपार्टमेंट भी एज यूजुअल वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन का आपको काफी इंप्रेसिव देखने को मिलेगा, बिकॉज यहां पर लीक्स के अकॉर्डिंग 50MP का सोनी फ्लैगशिप IMX890 सेंसर मिलने वाला है। और रेफरेंस के लिए बता दूं, सेम सेंसर हमें OnePlus 11R और OnePlus 11 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली काफी अमेजिंग देखने को मिल सकती है। और स्मार्टफोन में OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। बाकी इस बार बोल रहे हैं कि अल्ट्रा वाइड सेंसर 13MP का हो सकता है, तो ये भी काफी बड़ी चीज हो जाती है। एंड लास्ट में आपको 2MP का यूजलेस सेंसर ऑफ कोर्स दिया जाएगा। और स्मार्टफोन के रियर कैमरा से आप मैक्स 4K पर 60fps तक आई थिंक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पर आपको 16MP का एक लेफ्ट पंचोल सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। नाउ आते हैं स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पर भी वन प्लस अपग्रेड करने वाला है, और वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन में बोल रहे हैं कि 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी बैकअप यहाँ पर आपको इनसेन मिलेगा, बिकॉज 4nm का प्रोसेसर है और AMOLED डिस्प्ले, तो बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। और स्मार्टफोन में गाइज आपको 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो गाइज, वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आएगा, 3.5mm जैक नहीं होने वाला है। और स्मार्टफोन में फ्रेंड्स अलर्ट स्लाइडर भी मिलने वाला है। बाकी वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन आयर ब्लास्टर के साथ आएगा, टाइप सी होने वाला है, डुअल 5G कनेक्टिविटी मिलेगी, वाईफाई 6, NFC, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट भी दिया जाएगा। इन शॉर्ट गाइज, वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन एक परफेक्ट मिड रेंज स्मार्टफोन होने वाला है। और मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 प्रोसेसर पर IQOO NEO 7 स्मार्टफोन भी आने वाला है, जिसकी प्राइस लीक्स के अकॉर्डिंग अभी तक इंडिया में आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिल सकती है। और इसकी रेफरेंस लेकर चले तो वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन भी आपको इंडियन मार्केट में 32,000 के अराउंड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो लीक्स निकल कर आ रहे हैं कि स्मार्टफोन का इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। और वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन आपको वन प्लस 11 और वन प्लस 11R स्मार्टफोन के बाद इंडिया में देखने को मिलेगा। और वन प्लस 11 और 11R स्मार्टफोन फेब मंथ में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, और उसके बाद मार्च मंथ तक आपको वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डेली ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।